हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भारती शर्मा। लास्ट पार्ट में यानी फर्स्ट पार्ट में हमने किया था सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच और AS इक्वल टू AD अप्रोच, शॉर्ट रन का ही। अब आज हम करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म और इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है ये बताता है हमें कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हमारा जो आउटपुट है या फिर इनकम है, इनकम जो है हमारी, वो कितने रेट से बढ़ेगी, कितने नंबर ऑफ टाइम से बढ़ेगी। ठीक है, तो हम ये देखेंगे इसमें। यानी इट इज़ मेजर्ड द रेशियो बिटवीन इनकम, चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट। Y का मतलब इनकम, I का मतलब इन्वेस्टमेंट। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे हम, और दोनों के बीच में सॉरी रेशियो देखेंगे। ये किसने दिया था, किसने दी थी थ्योरी में, कीन्स ने दी थी कि अगर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं तो उससे हमारी इनकम जनरेट होती है ना, वही वाली चीज़ हम आज करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को पता भी होगा। जैसे मैंने लिया यहाँ पे इनकम जो है मेरी 15 है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो 15 है और चेंज इन इनकम 60 है। तो 60 यानी चेंज इन इनकम, उसके बाद चेंज इन इन्वेस्टमेंट 15। ठीक है, तो टोटल कितने का आ गया 15, को हम 60 और 15 का रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा, 4:1 यानी 4। तो इसमें क्या दिखा रखा है हमें, एक बात और भी हमें याद रखनी है कि जो K और MPC का रिलेशन होता है इसमें, वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। K और MPC की बात मैंने इसमें क्यों की, क्योंकि K के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो यही वाला जो अभी अभी हमने ऊपर किया, K इज इक्वल्स टू डेल्टा Y एंड अपॉन डेल्टा Y, और एक होता है K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPC। K को हम और किस नाम से जानते हैं, मल्टीप्लायर को हम और किस नाम से जानते हैं, मनी मल्टीप्लायर को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर और K, तीन नाम से जानते हैं। मतलब डिनोट करते हैं हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को किससे, K से। ठीक है, तो रिलेशन है जो K का और MPC के बीच का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसे है डायरेक्ट रिलेशनशिप, अगर K बढ़ेगा यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो हमारा MPC भी बढ़ेगा। ठीक है, MPC बढ़ेगा तो K बढ़ेगा, और ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ MPC बढ़ेगा तो K बढ़ेगा। जैसे MPC मेरे पास 0.1 है यहाँ पे, तो K हमारा कम आएगा, लेकिन अगर मेरा MPC 0.8 है यानी बढ़ गया तो मेरा K भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी K मतलब पता है ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अच्छा, Y के बारे में आपको पता ही होगा, इनकम में हम दो जगह पे अपना इनकम को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, या तो कंजप्शन में या इन्वेस्टमेंट में। अब मैंने क्या किया, पूरे में डेल्टा लगा दिया, डेल्टा Y इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा I, डेल्टा Y माइनस डेल्टा C इधर आ गया, बचा क्या, डेल्टा I। ठीक है, उसके बाद K जो है, K इक्वल्स टू Y इधर, K इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, यानी डिवाइड बाय डेल्टा एक्स वाई से मैंने इसको डिवाइड कर दिया पूरे को। जैसे मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, पूरे को मैं डिवाइड कर दूँगी किससे, डिवाइड बाय डेल्टा वाई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, आई की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, ये वाई माइनस सी, यानी डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ भी हो गया 1। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला होता है, MPC का। तो हमारे पास कौन से वाला फॉर्मूला निकल के आ गया इससे, ये इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है, K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, और हमने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा था, MPS प्लस MPC इक्वल टू 1। तो अगर 1 माइनस MPC है, यानी 1 माइनस MPC है यहाँ, तो MPS हो सकता है, यानी कि K इज इक्वल्स टू 1/MPS, K इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई,
कि ए इज इक्वल्स टू 1/(1-MPC) ये सब आपको तीनों याद रखने हैं और लास्ट चैप्टर के भी। इस से हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अभी हम अपना कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म। अच्छा, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है इकोनॉमिक्स हेयर के नाम से, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म है क्या कि हम देखेंगे कि मल्टीप्लायर का प्रोसेस देखेंगे हम इसके अंदर कि कैसे इन्वेस्टमेंट से हमारा मल्टीप्लायर कितनी होती है, क्या होती है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले है राउंड वन। राउंड वन में क्या है कि किसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ किया कितने का, 100 करोड़ का कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब उसने इन्वेस्टमेंट किया है, उसने इन्वेस्टमेंट किया तो उसने कहीं लैंड लिया, कहीं लेबर ली, उसको वेजेस दिया, कहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, ये सारी चीज़ें की। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अब उसने इन्वेस्टमेंट किया तो बहुत सारी चीज़ें खरीदी भी होंगी। ठीक है, किसी को वेजेस भी दिए होंगे, किसी को सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट सब दिया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि अगर उसने एक्सपेंडिचर किया है तो वो किसी ना किसी की इनकम होगी। द एक्सपेंडिचर ऑफ वन इज़ द इनकम ऑफ अदर, पता है ना, सुना भी होगा कि हम खर्चा कर रहे हैं तो भाई वो दूसरे के लिए इनकम है। ठीक है, इसी तरीके से तो उसने 100 का खर्चा किया, वो 100 किसी की इनकम बन गई। ठीक है, अब वो 100 किसी की इनकम बन गई तो इसमें हमने MPC कितना लिया है, 0.5। कितना, 0.5 हमने इसमें MPC लिया है। MPC 0.5 लिया है, यानी 50% हम इसको इसका कंजप्शन मान के चलेंगे। 100 करोड़ में से 50 करोड़ का क्या हो गया, इन्वेस्ट कंजप्शन हो गया, और जो बाकी बचे यानी Y=C+S, यहाँ पे हमने कैसे लिया, Y=C+S, C+S=Y, 50 क्या हो गई, सेविंग हो गई। उसके बाद ये किसी की जो इनकम थी, इसने ये इनकम किसी की, यहाँ इसने ये इनकम अपनी कहीं यूज़ की है, स्पेंड की है तो क्या हुआ, वो किसी की इनकम बन गई। फिर वो इनकम बनी तो फिर उसने 50% इसका कंजप्शन किया और ये सेविंग कर ली। अच्छा, अब ये 25 उसने कंजप्शन किया है तो फिर से वो किसी की इनकम बन गई, तो फिर से वो किसी का कंजप्शन हो गया, यानी 12.5 हाफ ऑफ करते जाना, 50% ईजी है, यानी इसलिए लिया है क्योंकि आप 50% ईजीली कर पाओगे, 80% 90% में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद 6.25 कंजप्शन किया तो इसका हाफ 3.12 किया तो इसका हाफ 1.56, इस तरीके से करते गए। उसके बाद यहाँ ये 100, यहाँ 200, यहाँ 100, यहाँ 100 कैसे आया, ठीक है, कैसे आया वो हम देखते हैं। K इज इक्वल्स टू Δy/Δi, Δy में कितना चेंज आया है, हमने देखा था कितना चेंज आया है y में और i में। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कितना चेंज आया है y में 100 का और i में भी 100, यहाँ Δy में हमारे पास चेंज आया है 200 का और यहाँ आया 100 का। तो अब हमने यहाँ देखा कि हमारे पास ये 200 कैसे आया, K इज इक्वल्स टू 1/(1-MPC) हमने पढ़ा था फॉर्मूला। ठीक है, 1/(1-MPC) हमने कितना लिया था यहाँ पे, 0.5, तो क्या किया हमने यहाँ पे 0.5 लिया तो 1/(1-0.5) क्या गया, 1/0.5, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, यानी ये 2, यानी 2 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है। अब 2 टाइम्स यानी 100 था हमारे पास स्टार्टिंग में, तो 100 को हम 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 200। ठीक है, इजी। उसके बाद इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स है, अब वो करते हैं। अच्छा, एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि एक इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किए हैं, इन्वेस्टमेंट कितने की है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है, तो हमें वो इन्वेस्टमेंट निकालनी है, हमें नहीं पता वो कितने की है। और MPC हमें गिवन है 0.5 और Δy हमें गिवन है 1000। कैन यू डू इट, ठीक है, नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा, तो चलो करते हैं। कैसे होगा, हमें पता है कि इज इक्वल्स टू 1/(1-MPC, ठीक है, हमारे पास K का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Δy/Δi/ और 1/(1-MPC, y कितना है, 1000, i
हमें फाइंड आउट करना है 1 माइनस 0.5। 1 माइनस 0.5 अगर हम करेंगे तो 0.5 भी आने वाला है, ठीक है। तो जब हम 1000 को 0.5 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, कैसे करेंगे 1000 को 0.5 से अगर हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 500 डेल्टा i, ठीक है, ऐसे करेंगे। उसके बाद एक और करके देख लेते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, कैसे करेंगे कि k = 1/(1 - MPC) देखा था हमने फॉर्मूला था, तो हमें क्या निकालना है, k ही निकालना है। MPC हमें गिवन है 0.5, ये आ गया हमारे पास 0.5 यानी 2 times, ठीक है। जितना भी इन्वेस्टमेंट आपको गिवन होगा आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या उतनी आ जाएगी आपकी मनी मल्टीप्लायर आपका गया 2, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे, बस यही थे न्यूमेरिकल, बाकी आप करते जाएंगे आपको आते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, बटन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिल जाएँ। थैंक यू।